हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2020 किसी के लिए भी अभी तक अच्छा साबित नहीं हुआ। पूरी दुनिया में लोग कोरोना वायरस जैसी महामारी से मर रहे हैं और इस खतरनाक बीमारी से पूरी दुनिया पिछले कई महीनों से लड़ रही है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री से भी कई दुख भरी खबरें सामने आ चुकी हैं। पहले 29 अप्रैल को इरफान खान और फिर 30 अप्रैल को ऋषि कपूर इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। वहीं अब आमिर खान के पर्सनल असिस्टेंट अमोस पॉल का भी निधन हो गया। उन्होंने 12 मई को आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। अमोस खान परिवार के काफी करीबी थे। वो आमिर खान के साथ लगभग 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से जुड़े हुए थे। उनके निधन से आमिर और उनके परिवार को गहरा झटका लगा। बुधवार को अमोस का अंतिम संस्कार किया गया था और इस दौरान आमिर खान भी अपनी पत्नी किरण राव के साथ वहां पहुंचे और अमोस की पत्नी और परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की। अमोस पॉल का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवडी इलाके में स्थित शमशान भूमि में किया गया था। तो कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में किसी भी अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। फिर भी आमिर खान अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि अमोस पॉल ने आमिर खान के साथ लगभग 25 साल पहले काम करना शुरू किया था। वो हर मौके पर आमिर के साथ हमेशा मौजूद रहते थे। बता दें कि अमोस पॉल के निधन से आमिर के अलावा उनकी बेटी ईरा खान भी काफी दुखी है। उन्होंने अमोस को एक भावुक पोस्ट के जरिए याद किया।